स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर का एक शॉर्ट वीडियो देखेंगे। अगर हम बच्चों एडमिशन ऑफ द पार्टनर की बात करें और जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस कॉन्सेप्ट में अगर हम जनरल एंट्री के बारे में सोचें तो हमारी एंट्री वही होती है ऑलमोस्ट स्टार्टिंग की, जो चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में थी। मतलब जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L टू न्यू ऑल पार्टनर नहीं बोलकर यहाँ हम ओल्ड पार्टनर बोलेंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर अभी आया नहीं है। एक्यूमुलेटेड लॉस की भी वही एंट्री होगी और हमारी WCR IFR मतलब स्पेसिफिक फंड की भी सेम एंट्री जो मैंने चेंज इन प्रॉफिट में बताई थी बच्चों सेम कर देंगे। और बच्चों जो हमारी फोर्थ एंट्री मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो एंट्रीज हैं वो भी जस्ट वही होंगी जो हमने चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट की थी। और यही चीज़ हम ओल्ड गुडविल की एंट्रीज में भी करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे ज़्यादातर इन 3-4 चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के जो चैप्टर्स हैं उनमें सेम होती है। अब जो हमारा आज का मेन कॉन्सेप्ट है वो है व्हेन न्यू पार्टनर एडमिट इन द पार्टनरशिप फर्म। अगर नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंटर करता है तो अपने साथ कैश में अगर वो कैपिटल भी ला रहा है और बच्चों अपने साथ गुडविल भी ला रहा है तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल में हम नए पार्टनर के गुडविल लाने की वैल्यू देखेंगे, कैपिटल में उसकी कैपिटल लिखेंगे और दोनों को ऐड करके कैश में कर देंगे। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर कैश ना ला के वो काइंड लाता है तो यहाँ पर एसेट्स को डेबिट करेंगे और अपोजिट में सेम एंट्री लिखेंगे। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल तो मशीनरी या किसी काइंड में लाया, किसी कंसीडरेशन, किसी भी फर्नीचर या कोई भी एसेट ले आया, लेकिन गुडविल वो कैश में लाया तो यहाँ पर हम एसेट्स को भी डेबिट कर देंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें याद रखने हैं। और इसके बाद की जो हमारी अगली एंट्री होती है वो होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों ये एंट्री क्यों होती है, देखो बच्चों नया पार्टनर आया और उसके लिए पुराने पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, उसके सेक्रीफाइस को कंपेंसेट करने के लिए, पे करने के लिए जो न्यू पार्टनर आता है वो अपने गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देता है। अगर वो कैश में गुडविल लाया है और उसने सेक्रीफाइसिंग को दी है तो प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग। कैश में गुडविल नहीं लाया बच्चों तो ये एंट्री तो होगी नहीं, और साथ में प्रीमियम की जगह पर भी हम लिख देंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर आप कह रहे हो कि गुडविल भी लाया मैं और साथ में थोड़ी कैश में लाया, थोड़ी सी ले आया वो नॉन कैश, तो जो गुडविल वो कैश में लाएगा बच्चों वो प्रीमियम में दिखा देना, जो कैश में नहीं होगी बच्चों वो न्यू पार्टनर्स कैपिटल में दिखा देना और दोनों को ऐड करके सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देना। आखिरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिली है वो उन्होंने पर्सनली विड्रॉ कर ली, मतलब पर्सनली नहीं, पर्सनली वर्ड नहीं लिखा होगा, बस ये बोलेंगे कि विड्रॉ कर ली उन्होंने, उसको रिटेन करके नहीं रखा, तो ऑप्शनल में हमारी थर्ड एंट्री भी हो सकती है और वो होगी हमारी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आखिरी बात, अगर न्यू पार्टनर गुडविल लाया ही नहीं तो ना ये एंट्री यहाँ पर प्रीमियम होगी ना ये एंट्री होगी, अंडरस्टूड है बेटा। और गुडविल लाया लेकिन प्राइवेट लाया तब भी गुडविल की एंट्री नहीं होगी। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट एडमिशन ऑफ द पार्टनर है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट को आप लोग थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर से भी मिला लो, जहाँ पर आप लोगों को ओल्ड गुडविल तक की एंट्रीज बच्चों कॉमन करनी है, एकदम वही करनी है, बस आपको ऑल पार्टनर की जगह पर ओल्ड पार्टनर लिखना है और फिर ओल्ड गुडविल की एंट्री के जस्ट बाद न्यू पार्टनर के आने की एंट्री, प्रीमियम के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री और लास्ट में हमारी ऑप्शनल एंट्री करनी है। ये हमारा कंप्लीट चैप्टर है सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एडमिशन ऑफ द पार्टनर। अगर वीडियो समझ में आ गई हो, छोटी सी वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू।